ट्यूसडे को फेब्रुअरी 28th. ओके. और रेंट आएगा मार्च 1st को. करेक्ट. और इस बार रेंट देने की बारी मेरी है. बिजली का बिल, वाईफाई का? पिछले महीने तो दिया था, तो एक साथ 3 महीने का दे दिया. अब अगले इंस्टॉलमेंट जाएगी अप्रैल में. दीदी की तनख्वाह? इस महीने तुम्हारी बारी. ठीक. चलो वैसे ना, आई गेस ये तो हो गई है फाइनेंशियल प्लानिंग. सब कुछ सॉर्टेड है फिर. आ जाओ कॉफी पीते. कैलेंडर देखे? यस. थैंक्स. इस सैटरडे को क्या है, याद है ना? ऑफ कोर्स पता है. अमो, आई कांट बिलीव हमें 3 साल हो जाएंगे. व्हाट डू यू मीन कांट बिलीव? मुझे तो पहले से पता था कि हम लोग एटलीस्ट 5 साल चला लेंगे अपनी रिलेशनशिप. तुम क्या कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो क्या जो 5 साल तक चला लोगे अपनी स्कीम? यू नो, यू नो, कभी कभी वो अंदर से फील होता है बिल्कुल वैसे. और देखो 3 साल तो हो गए, बचे 2 साल, फिर देखेंगे. देखेंगे फिर मतलब क्या? तुम क्या वापस से कोई ऑनलाइन डेटिंग साइट पे जाओगी? लोगों से मिलना जुलना, लंच डिनर, ओ माय गॉड, हमसे तो ना हो पाएगी सब. अमो, मुझे तो लगा था कि हम फॉरएवर के लिए हैं. बट ठीक है, तुम्हारे तो 5 ईयर प्लान है और 3 साल अब हो चुके हैं, बचे 2. एंड बाय द वे 3 इज जस्ट एज स्पेशल. हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं ना? कर सकते हैं. कर सकते हैं. कॉफी लो. मोमो, लुक एट द डेट. लुक एट इट. डेट तो पता है ना? जस्ट लुक एट इट ना एक बार. ओ, 3rd on 353. एग्जैक्टली. मोमो, सोचो उस दिन अगर तुम डेट पर नहीं आई होती तो. तो उसकी बात तो करो ही मत यार. तुम सो गई थी और मैं यूनिट टेस्ट के पेपर्स चेक कर रही थी. नहीं नहीं नहीं, मैं डेट पर थी और तुम यूनिट टेस्ट के पेपर्स चेक कर रही थी. हाय, प्लीज कम. आई एम सो सॉरी. इट्स ऑल राइट. ये बहुत वजनदार लग रहा था. मैं लेती हूँ. I am sorry. No, it's okay. You know what? Really, thanks for letting me do this. वो ना वैसे तो मेरी बिल्डिंग में कभी लाइट नहीं जाती, पर पता नहीं आज क्या हो गया. It's all right. Please come. Please come. Coffee? पहले actually papers correct कर लूँ. वो क्या है ना कि कल मार्क्स एंटर करने की डेडलाइन है और मुझे पता नहीं मेरा टाइम कहाँ निकल गया. दैट्स ओके. यू श्योर मैं कहीं? नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी इम्पोज नहीं करी. इट्स फाइन. आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पा रही हूँ. तुम क्या करोगे? यार काम तो है, पर कल भी हो सकता है. और वैसे भी ना, मुझे सुबह 3-4 बजे से पहले कोई धमाकेदार आइडियाज नहीं आते, और मेरे क्लाइंट्स को ना उनके बिना कभी खुशी नहीं मिलती. तो आई एम जस्ट गोना रीड. आर यू श्योर? हाँ पक्का. प्लीज. आई विल. यस प्लीज. थैंक्स. हो गया.
ऑसम, चलो कल अच्छा है, तुम्हें और बच्चों को दोनों को मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ खाओगी? वैसे घर पे खाना तो होगा, सो और तुम भी नींद में लग रही हो तो आई थिंक आई शुड जस्ट लीव। नो, प्लीज स्टे, सेलिब्रेट करते हैं ना। कॉफी? श्योर, अभी लाती। मेरा पैर सो गया, एक सेकंड, सॉरी अभी आई। वैसे ये डेट कमाल की है, एक नींद में है और दूसरी यूनिट टेस्ट के पेपर्स करेक्ट कर रही है। अब वैसे ये डेट अभी भी है ना? ऑफ कोर्स है, एंड आई विश हर डेट इतनी आसान है। वैसे मुझे तुम्हारे साथ ऐसी और डेट्स करनी है, अगर तुम चाहो तो। मैं भी। सच? तो क्या तुम भी मुझसे? हाँ शायद। मतलब अब हम? हाँ शायद। एक मिनट, ये क्या हुआ? डेट देख रही हूँ, 12 बज गए तो एनिवर्सरी डेट 3rd मार्च। अच्छा मैं सोच रही हूँ क्या करेंगे इस बार, बताओ। देखो डिनर तो पक्का है, रिजर्वेशंस कल करा लेंगे, बाकी हम थोड़ा कॉकटेल्स, थोड़े कदल्स, थोड़ा सा चिल। और एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना इस बार हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट बनाएं, बजाय इसके कि हमेशा की तरह मैं तुम्हें साड़ी गिफ्ट करूं और तुम मुझे कोई नोटबुक या नॉवेल गिफ्ट करो। ए वन सेकंड, आई थॉट यू लाइक दोस गिफ्ट्स। आई डिड, आई प्रॉमिस। पर यार 3 साल इज समथिंग स्पेशल ना, तो कुछ खास होना चाहिए, क्यों? बट एज लॉन्ग एज कि तुम अपने प्रोजेक्ट्स खुद खत्म करो, यानी कि वो राहुल से बनवाओ। ओके फाइन, राहुल वाज जस्ट वन टाइम यार। प्रॉमिस। राहुल आउट, क्रिएटिविटी फुल इन। और सर वैसे भी 3 साल तो स्पेशल होता है ना, तो ऐसे कुछ नॉर्मल नहीं, कुछ खास होना चाहिए। धूमधाम से। आई लव यू। परफेक्ट टाइमिंग है ना तेरी, मैं बस अभी काम खत्म करके तुझे कॉल करने वाली थी। अच्छा सुन, मेरी और महक की ना एनिवर्सरी आ रही है, और मैंने ना एक स्टूपिड सा आइडिया प्रपोज कर दिया, सो आई नीड। क्या हुआ, तू रो रहा है? सब ठीक है ना? शीना ब्रोक अप विद मी। ओह गॉड, अब कब हुआ ये? कल रात को हुआ, और तू मुझे अभी बता रहा है? I thought I was your best friend. राहुल यार कितना डफर है ना तू? यार वो मैं तो सोच के बैठा था कि मतलब रात की बात है, सुबह सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा as usual. But वो सीरियस है। यार I am really sorry राहुल, और मुझे देख मैं कितनी घटिया दोस्त हूँ, अपनी एनिवर्सरी को लेके एक्साइटेड हो रही हूँ। I am really sorry. तू चिल करना, तू देख ही रही है ना यार, मैं क्या बोलूँ, I'm in a mess. 5 साल अम्मू, 5 साल ऐसे कोई झगड़े में 5 साल भुला देता है यार, 5 साल का प्यार। मैं तो शादी का सोच रहा था यार, और सोच रहा था कि अगले हफ्ते शादी की रिंग लेने जाऊं उसके लिए। वैसे तूने उसे शादी और प्रपोजल वाली बात बताई थी ना? कल आर्गुमेंट में बोल दिया मैंने उसको, सोचा कि शायद शादी की बात सुन के उसको लगेगा कि मैं सच में सीरियस हूँ, सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद नहीं। पर जब लगा कि मैं शायद बदल जाऊंगा तो कुछ बोली नहीं। तो अब क्यों बोला? क्योंकि मैंने कभी उसको कहा नहीं, ये नहीं कहा कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, दैट आई लव यू। पूरी दुनिया जानती है कि तू शीना पे जान छिड़कता है, हम सबको दिखता है यार तेरा प्यार, उस लड़की को नहीं दिखता क्या? उसको बोलो अपनी आंखें चेक करवा ले, अकल की अंधी है कहीं की। अच्छा सुन राहुल, तू वहां पे अकेला मत बैठ, तू यहाँ पे आ जा। हाँ वैसे भी महक टीचर्स के साथ डिनर पे गई है तो, और वैसे हॉट चॉकलेट सब कुछ ठीक कर देता है ना, तू बस आ जा। ऑलराइट,
I'll see you by 7-ish. मेरी तो किस्मत ही खराब है. क्यों? सैटरडे के दिन मैं तेरा कैफे सेटअप करने में हेल्प कर रही हूँ. You know what? Being single sucks. यार तेरा सिंगल होना ना मुझे सच में सिली लगता है. तो सिंगल क्यों है यार? मतलब मैं अगर लड़की होता ना तुझे डेट. राइट. भूल मत पागल कि तेरे पास शीना है. टीना मीना टीना सबको भूल जाऊं मैं तेरे लिए अमृता. अच्छा चल बड़ा ड्रामेबाज. वैसे भी तेरी वजह से ना कोई कहीं पे भी मुझ पे लाइन नहीं मार. क्यों? सबको लगता है हम कपल है. तो क्या तू लाइन मार ले. सिंपल. इतना सिंपल थोड़े यार. किसी की शक्ल पे थोड़ी ना लिखा है कि वो लेस्बियन है या औरत हूँ औरत से प्यार करती हूँ. देख शक्लें देख के डेट करना है ना तो सिंपली डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ले और एल्गोरिथम्स को अपना काम करने दे. व्हाट किया था ना 2-3 हफ्ते के लिए मजा नहीं आया. यार कर दी ना तूने बिल्कुल क्लाइंट वाली बात. मजा नहीं आया. ट्राई कर. मैं तुझे कह रहा हूँ ट्राई कर. फाइन लास्ट टाइम जस्ट फॉर यू. ये याद है क्या? देख हाँ स्माइल. हाय तो ये पिक्चर है ना. ये मैसेज कर दिए पोस्ट कर दे और साथ में लिख दे कोई ना कोई चाहिए कॉफी पीने वाले. सो चीज़ी यार राहुल कम ऑन. ये हाँ नाक मोटी है थोड़ी सी मतलब तेरे लिए. Listen to this. There is no way you can stop a good time if you know how to rhyme. Wow. Coffee over chai, except for when I'm low. As Moana said, no one knows how far I'll go. Oh. Cute, hai na? Spot on, yaar. Kar do. All the best. Fingers crossed. Mashed. Whoa. क्या बात है. Wait. Hey, Amrita. I am free this Tuesday. तेरा हॉट चॉकलेट बना क्या नहीं? कितना इंपेशेंट है यार तू. ले बन गई. एंड इट्स अ कप ऑफ परफेक्शन. ओहो क्या बात है. इंप्रेसिव. तेरे घर पे जब भी आता हूँ ना ये तेरे इटालियन शूज खराब हो जाते हैं. सीरियसली? और तू कहता है कि तू बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं है. आराम से करा रहा है. मार के पियो. स्मेल्स गुड. ऑफ कोर्स बनाया किसने. चल बता अब क्या चक्कर है ये तेरा आई लव यू का. यार कल शीना के कजन अमित की बर्थडे पार्टी में गए थे जहाँ पे किसी ने पूछ लिया कि who says I love you first. So, Sheena said कि obviously Rahul wouldn't make an effort to say that first. सब हंसे मैं भी हंसा. लगा मजाक था जोक था ठीक है. पर जब घर वापस जा रहे थे तो मैंने पूछा उससे कि why do you always make it a point कि अपनी फैमिली के सामने मुझे बार बार नीचा दिखाए. And she said, you know what she said? कि मैं उसे deserve ही नहीं करता. मैंने इतनी respect ही नहीं कमाई है कि वो मुझे respect करे. Shut up.
No, seriously, this is what she said. मतलब कि 5 साल के बाद मुझे पता चला है कि वो मुझे बेवकूफ बना रही है यार, मुझसे प्यार ही नहीं करती है, मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करती है। उसके हिसाब से मैं कभी बड़ा ही नहीं हुआ, मैं कभी मर्द ही नहीं बना। क्या नाटक है ये? मैंने कभी नहीं उसे कहा कि बीइंग इन्फ्लुएंसर इज नॉट अ करियर। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि ये तो रिएक्शन वीडियोस बनाती है, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं यार। I just don't know how to react. बोल कुछ। हाँ, I mean, तुम दोनों की रिलेशनशिप इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही थी यार, इतनी परफेक्ट थी। नहीं पता था कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। मुझे भी नहीं लग रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, unless and until But any which ways, I don't want to be with somebody जो मेरी रिस्पेक्ट ना करे। Thank God मैंने रिंग नहीं खरीदी जो मैं अगले हफ्ते खरीदने वाला था। हाँ, वो टर्की की राउंड टिकट्स है, वो रिफंडेबल नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी सैड? हाँ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि what if महक को भी ऐसा लगता हो कि I don't love her। है? ये कहां से आ गया? हाँ मतलब देखना, मैंने भी महक को कभी आई लव यू नहीं बोला। अभी 3 साल होने वाले हैं एंड मुझे पता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। बट वॉट इफ शी टर्न्स अराउंड एंड सेज कि खत्म है सब कुछ, इट्स ओवर। रिलैक्स, तू मेरी बात साइड रख, पहले मुझे ये बता, यू लव महक राइट? एंड महक लव्स यू? तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। क्या प्रॉब्लम है यार, इतना क्यों सोच रही है? देख रहा तुझे अगर इतने सालों के बाद पता चल सकता है तो क्या पता महक मुझे हिंट्स दे रही हो और मेरी समझ में नहीं आया हो। मैं भी अपने रिलेशनशिप की छोटी से छोटी अपडेट सोशल मीडिया पे डालती हूँ, क्या पता उसे भी बुरा लगता हो। ओ हेलो, सबसे पहले लाइक भी महक का ही आता है। और अगर वो झूठ हुआ तो? देख, मैं बहुत डर गई हूँ, I don't know क्या करूं। I have an idea। एनिवर्सरी दे दे। मतलब? तुम दोनों एक दूसरे को स्पेशल हैंडमेड गिफ्ट देना है, तो मेक श्योर व्हेन यू डू दैट उसे बता हाउ मच यू लव। आई लव यू, बोल जितनी बार बोलना है बोल। अब तू मेरे को और शीना को देख के डर चुकी है, तो उसको 2 साल की वार्निंग मान के चल। यू कैन स्टिल सेव दिस, ट्राई। अब तेरा हो गया हो तो मैं अपनी प्रॉब्लम में फोकस करूं। ठीक है, जा बाय। Hope she comes. Yes, you do. Calm down. Calm down. Good. All right. First date, good. 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 चाय या कॉफी? ऑफ कोर्स कॉफी। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत देर कर दी आज। नो नो नो, इट्स ओके। आई मीन मैं बस अभी आई थी 5 मिनट पहले। रियली? सॉरी, मैं पहली बार किसी से ऐसे मिल रही हूँ, थोड़ी सी ऑकवर्ड हूँ, बट इट्स ऑल राइट। चीज़ Cheers.
मुझे ना तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। And I really like your hair. Can I call you Amo? Yeah, I mean, sounds special. तो तुम्हारे आज रात के प्लान्स क्या हैं? कुछ खास नहीं है, काम खत्म करके कुछ मूवी वगैरह देखूंगी। You wanna come over? We are so perfect for each other. अधूरी मैं खोया न समझे तू मैनू टूटा है सा मेरा तेरे बिन है गम यहाँ ओ गम यहाँ। यार इतनी कैची तो है टैगलाइन, क्या प्रॉब्लम है? अरे गाइस ये छोड़। अमो, I'm home. अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मैं करके भेजती हूँ। बाय। वेलकम बैक टीचर साहब। यार क्यों पसंद है मुझे बच्चे और ये नौकरी? क्या हो गया, इतनी सड़ी हुई क्यों है? फिर से डिबेट टीम की कोचिंग मिल गई क्या? अमो तुम्हें कल ही तो बताया था ना यार, फिर भूल गई। बार बार भूल जाती हो तुम। तुम्हें कुछ भी इंटरेस्ट है क्या मेरी लाइफ के बारे में? तुम्हारी लाइफ के अलावा ना भी बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारी लाइफ में और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? कॉपी राइटर साहिबा, कभी पूछोगे तभी तो पता चलेगा ना। अम्मो मैं अब तुमसे पूछ रही हूँ, बता दो यार सीधे सीधे क्या प्रॉब्लम है। सुनो ना, वैसे भी अब तुम रहने दो, मेरा आज ताने सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सिर्फ ताने देती हूँ ना मैं, कूल स्टोरी ब्रो। अम्मो लाओ टीवी का रिमोट मुझे दो। यार मैं इसी से थकान मिटा लूँ ना, मास्टर शेफ आ रहा है। पर रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अगर मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया तो कौन सा पाप कर लिया? पर ये जो न्यूज़ का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उसका क्या करूँ, नहीं देखूँ? अम्मो तुम एक न्यूज़ ना दिन में चार बार देखती हो। दो रिमोट, माई टीवी माई रूल्स। अगले महीने केबल का बिल पे करोगी तो टीवी का रिमोट साथ में फ्री में। अम्मा का मैसेज अभी? चलो पापा ठीक है। हाँ मम्मी, अम्मो को प्यार, उसका मूड खराब हो ना तो उससे तो बात करना मुश्किल है। और मेरे मूड का क्या? नहीं यार, उसका टीवी, उसका घर, उसका कमरा, उसको अम्मा का प्यार। बच्ची है क्या वो छोटी? कब पड़ी होगी? पता नहीं हमने कैसे काटे ये 3 साल। आराम से महक। कल जाने स्कूल भी नहीं होगा। बेबी आके ब्लूम करेगी। ओके अवंतिका, सोनू, जय सिंह, सत्येंद्र फॉर ग्रुप 1। फाइन ठीक है। मनीष, राकेश, अनुज, सुरेश फॉर ग्रुप 2। एंड आई एम रेडी। मोमो यार सैटरडे, सैटरडे को कहाँ चली? डिबेट टीम। शिट सॉरी, मैं फिर से भूल गई। आदत हो गई है, सो यू डोंट वरी। बाय द वे मैं 8 बजे तक आ जाऊंगी। 8 बजे?
अभी सुबह के 8 बजे रात के 8 बजे तक 12 घंटे तुम काम करोगी, थक जाओगी, कल बीमार पड़ जाओगी, और खाने पीने का क्या? लिसन, आई एम जस्ट बीइंग कंसर्न्ड, ओके? ये हॉस्टल की वार्डन नहीं हूँ मैं। खाने पीने का ना डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। और अब काम है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे जितनी लग्जरी तो है नहीं मुझे कि 10 घंटे की शिफ्ट में 4 घंटे सोचा, 2 घंटे काम किया, 2 घंटे चिल किया और बस जो दिमाग में आया वो लिख दिया और वापस घर चले आए। मोमो, तुम सच में मेरे काम के बारे में ऐसा सोचती हो? यू मेक इट लुक सो इजी। अब मैं क्या करूं? और सुबह सुबह इस बदतमीजी की कोई खास वजह है? मैं करूं तो बदतमीजी और तुम करो तो नादानी। मोमो, आई एम सॉरी, कल इतनी सारी रैंडम चीजें हो रही थी, मैं थक गई थी, मुझे नींद भी आ रही थी। यार अमोना, सबका सीन कुछ ना कुछ होता है, मेरा भी कल मूड ऑफ था, बट जाने दो, अभी रात गई बात गई। फाइन। मोमो, अमो, आई एम होम। हाय मोमो, हाउ वाज योर डे? बच्चों ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? तेरे जितना तो नहीं। व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? नथिंग बाबा, इट्स जस्ट वेरी हॉट। कुछ पीने को है? नींबू पानी है फ्रिज में। महक, यू नेवर कॉल मी महक। क्या हुआ है? नहीं, वो कुछ हुआ नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। तुझे हमारे रिलेशनशिप में कभी रिग्रेट्स दिखती है क्या? ये क्या उल्टा सवाल है? उल्टा नहीं, सीधा है, प्लीज बता ना सच्ची। अमो यार, हाँ तू कभी मैसी मैसी सी रहती है, चीजें हर जगह बिखरी पड़ी रहती है। And I understand, घर तेरा ऑफिस है, पर यार अगर मुझे स्कूल से आके ये सब करना पड़े ना तो दिक्कत है। और तुम्हारे भूलने की प्रॉब्लम को तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कल तो लाइव डेमो भी देख लिया था। और बस, तो तुम कब से वेट कर रही थी मुझसे ये सब कहने के लिए? और पहले क्यों नहीं बोला? पहले बोला होता तो मैं अपनी आदतें सुधार लेती ना। No, it's not a major issue। बोला ना बस कभी कभी। पर पहले बोलना चाहिए था ना, बातें अंदर रखने से बातें बढ़ जाती है। ओह वेल, जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैं ये भी बता दूं कि तुम्हें अपनी डेडलाइंस के बारे में ख्याल तो होता नहीं है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर तुम हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट भी भूल जाओ तो। एक मिनट, एनिवर्सरी गिफ्ट मेरा आइडिया है ना, तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा, तो फिर बताओ क्या है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट? वो एनिवर्सरी पे ले लेना। अमो यार, मतलब कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा बाबा चिढ़ मत, ये बता क्या खाएगी? चाइनीज। चाइनीज यार, हर हफ्ते खाते, मैं बोर हो चुकी हूँ। कुछ एक्साइटिंग खाए, जैसे कि मैक्सिकन। मतलब हम बार बार जो चीज करते हैं उससे हम बोर हो जाते हैं, तो एक दिन तुम मुझसे भी बोर हो जाओ ना। अमो स्टॉप थ्रोइंग अ टैंट्रम नाउ, चल कार्ड गेम खेले, जो जीता उसकी चॉइस। हम कोई बच्चे हैं क्या कार्ड गेम खेलकर डिसाइड करने के लिए? ओह, मतलब अब हम मैच्योर एडल्ट्स हैं। वेल दैट्स न्यूज़। हाँ। अच्छा क्यों, तू हारने से डरती है क्या, जो एक और फाइट पुल अप करेगी और सोचेगी वो भी जीत जाए? अच्छा जी, गेम ऑन। गेम ऑन, अब तुम देखो। अब तुम देखो।
Of course you will. हमारी सबसे अच्छी सबसे परफेक्ट महक मिश्रा. What is wrong? Nothing. अमो खाना. मुझे भूख नहीं है. प्लीज मेरे कमरे में मत आना, मुझे अकेले रहना. अच्छा गिफ्ट है ना अंदर? नहीं है, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो. आई वॉन्ट टू बी अलोन. पिकनिक नहीं गए क्या? पिकनिक हमारे लिए तो मतलब स्कूल से जाना यूनिफॉर्म में. बढ़िया ताज देखने. अमृता चीयर्स करें. सबसे पहले सेल्फी, वो ऐसे वाली. ठीक लग रही है? नाइस. देखो एकदम ऐसे आती. ओके गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग आफ्टरनून हो रही है अमो. यार मोमो प्लीज, सुबह सुबह ताने सुनने का मन नहीं है मेरा. ताने नहीं मार रही हूँ यार, आई वॉज जस्ट बीइंग कंसर्न्ड. लिसन, मैं सुबह 4 बजे तक काम कर रही थी, ठीक है? लास्ट मोमेंट पे मैसेज आया कि आज की मीटिंग पोस्टपोन होगी क्योंकि क्लाइंट को अपनी पर्सनल मीटिंग के लिए कहीं और जाना था. तो मैंने आज के दिन छुट्टी ली है क्योंकि मुझे घर पे ध्यान देना चाहिए ना, राइट? खाने में कुछ है या लाना है? हाँ, इडली बनाई थी ऐसे. अच्छा वैसे तुमने कल रात में खाना तो खाया था ना? नहीं यार, लिया था पर फिर भूख नहीं थी तो मैंने रख दिया. अम्मो यार तुम्हें कितनी बारी बोला है खाना खाया करो, अभी फिर बीमार पड़ जाओगी. थैंक्स मोमो, आई मीन मम्मा. मैं स्टोर जा रही हूँ, कुछ लाना है क्या? अम्मो तुम अभी सो के उठियो, स्टोर जाओगी, चलो कुछ मंगवा लेते हैं. यार मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने, घर में इंस्टेंट नूडल्स नहीं है. व्हाई कैन आई डू वन गॉडडैम थिंग इन माय हाउस? आवर हाउस, हमारा घर है ये, राइट? कब से? हद है यार तुम ना, पिछले 3 दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम सुबह सुबह उठ के यूं ही चिड़चिड़ी सी रहती हो और हर चीज का उल्टा सवाल या जवाब. आई एम रियली सिक ऑफ इट. घर भले ही तुम्हारा हो लेकिन मैं भी यहाँ रहती हूँ, मेहमान हूँ क्या यार? तुम्हारा घर, तुम्हारी टीवी, तुम्हारा काम, तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं क्या कर रही हूँ फिर? एक मिनट, तुम्हारा मतलब है तुम यहाँ पर खुश नहीं हो? तुम खुश रहने दो तब तो ना. हर रोज वही एक रिमाइंडर कि मैंने जो भी किया वो कम है, मेरी प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ. फिर आई शुड जस्ट लीव? What do you mean by just leave? और कहाँ जाओगी बताओ? अमो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ब्रेकअप होगा तो मैं कहाँ जाऊंगी. महक ये बात कहीं की कहीं और जा रही है. आई थिंक बात यहीं तक आनी थी अमृता,
और शायद इसी बात की कसर रह गई थी। I don't think we are meant to make it to 3 years or 5 or forever. Listen, drama queen, सारा ब्लेम मुझ पे डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें जाना है ना, जाओ। Fine. I'll help pack my bags. और ये बाकी की चीज ना 2-4 दिन में लेके चले जाऊंगी। जाना है ना तुम्हें, डिसाइड कर लिया ना तुमने? गो, सीरियसली गो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा ना एक बार तो बता देना मुझे, ठीक है? मैं स्टोर जा रही हूं तब तक, और फोन लेकर जा रही हूं, टेक्स्ट कर सकती हो तुम मुझे। अब हम सुनना नहीं, सुनना मुझे अम्मो, प्लीज यार अम्मो। तुम्हें कुछ भी इंटरेस्ट है क्या मेरी लाइफ के बारे में? तुम्हारी लाइफ के अलावा ना भी बहुत सारी चीजें हैं। माई टीवी माई रूल्स, प्लीज मेरे कमरे में मत आना, मुझे अकेले रहना। घर में इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, व्हाई कांट आई डू वन गॉडडैम थिंग इन माय हाउस? अभी बस यही सामान है, बाकी का 2-4 दिन में लेके चले जाऊंगी। वो तो सच में जा रही है। माँ का मैसेज आया, सोचा थोड़ी देर घर हुआ। और फिर मेरा क्या? तुम्हारा घर तुम्हारी मर्जी, मुझसे क्या पूछना? नहीं प्लीज, अभी मत जा, एनिवर्सरी के बाद चली जाए। बस बहुत हो गया, और कैसी एनिवर्सरी यार, तुम्हें तो परवाह है नहीं, और हमारे बीच के झगड़े ना दिन भर सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। अमृता, हर चीज ना सोशल मीडिया जितना कूल और परफेक्ट नहीं होता है, और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का क्या फायदा है? ये क्या बात हुई यार, तुम खुद मुझे ट्रस्ट नहीं करती, सारी चीजें अपने अंदर दबा के रखती हो। तुम्हें लगता है अगर कोई भी चीज तुम मुझे साफ साफ बोलो तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी, है ना? और अब ये नया नाटक ये क्या है? अमृता, अगर तुम इतना ही चिढ़ती हो ना मुझसे तो हम साथ क्यों हैं? और नहीं जानती ना, तो कल सेलिब्रेट करने के अलावा थोड़ा सा ना सिर्फ सोच लेना। बाय अमृता, तुम्हें जाना है ना, 1 मिनट। ये लेते हुए जाओ। ये क्या है अब? हमारा एनिवर्सरी क्या? हैप्पी 3 इयर्स मोमो। मोमो, मैंने तुम्हें कभी आई लव यू नहीं बोला। दिस इज माय वे ऑफ सेइंग आई लव यू। आई रियली लव यू मैक मिश्रा। योर मोमो टू माय मोमो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी लगे कि मैंने तुम्हें कभी आई लव यू नहीं बोला, और ना ही मैं चाहती कि मुझे ये रिग्रेट रहे। तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। आई नो मैं बहुत खराब हूं, मैं बहुत सेल्फिश हूं, तुम भी बहुत गुस्सा करती हो, लेकिन प्यार भी उतना ही करती हो। आई प्रॉमिस सिटी गर्ल। अम्मो, तुमने कभी सोचा है
जब मैं तुमसे गुस्सा होती हूँ तो मैं कभी नहीं कहती कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, और तुम्हें फिर भी पता चल जाता है। बस वैसे ही ना, मुझे कभी भी डाउट नहीं गया कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एंड यू लव मी, क्योंकि तुम मुझे दिखाती हो कितनी तरह से मेरे लिए नींबू पानी बनाकर रखती हो, लाइव टेलीकास्ट रिकॉर्ड करती हो, तुम मुझे मूवी तक चूज करने देती हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो, तुम मुझे खुश रखती हो। यू मेक मी सो 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 हैप्पी अमृता टंडन। और ये बात ना कभी भी शब्दों में बयान नहीं हो सकती। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मतलब? 12 बज गए, मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट अरे नाइट स्टैंड पर है, बहुत सिली है। इतना बड़ा? देखो बहुत सिली है ये। क्या है? कॉफी मशीन। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट पर हमने कॉफी शेयर की थी? यू टोटली गेट मी मोमो। आई होप तुम्हें पसंद आई है। देखो हम बस वैसी कॉफी बनाएंगे जैसे हमने पहली डेट पे बनाई थी। कितने अच्छे से पैक किया ना तुमने, एंड लुक एट मी। तुम्हें पसंद आया? इट्स ब्यूटीफुल। मोमो यू टोटली गेट मी। तो अब इंतजार क्यों कर रहे? इस नई कॉफी मशीन में नई कॉफी बनाते, सेलिब्रेट करते। ये नहीं, तुम इधर आओ। Let's stay like this. अधूरी मैं खोया ना समझे तू मैनू। Stay like this forever. Forever. पूरा एपिसोड देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, बिल्कुल मुफ्त।